हेलो गाइस, हमारा नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज संडे है, मौसम बहुत ही अच्छा है, तो आज नर्सरी जाने का प्लान है। तो चलिए सीधा मिलते हैं रास्ते पे। तो फ्रेंड अभी हम निकल पड़े हैं, वेदर बहुत ही अच्छा है। थोड़ा ठंडा दो दिन से कम हो गया है, तो चलिए देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। आज इस सफर में भी मेरा साथ मेरा को राइडर समूह है। वेदर आज भी बहुत ही अच्छा वेदर है। इस सफर में भी मेरा को राइडर समूह है, तो ड्राइव करने में अभी बिजी है। आज कुछ लोकल एरिया एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुके हैं हम दोनों, इसलिए थोड़ा रेस्ट्रिक्शन थोड़ा कम है। तो चलिए इस सफर में हम लोगों के साथ रहिए। बीच का ये रास्ता देखिए, ये रास्ता टूटा टूटा होता हुआ रास्ता है। ये देखिए इधर का रास्ता भी देखिए, आज तो संडे है, छुट्टी का दिन है, तो संडे में तो हम लोगों का स्पेशल ब्लॉग तो बनता ही है, तो इसलिए सोचा कुछ दूसरा टाइप का कुछ बनाऊं। तो आज हम लोगों ने सोचा है कि कुछ नर्सरी के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो इसलिए हम दोनों ही निकल पड़े कुछ नर्सरी के ऊपर कुछ वीडियो बनाने के लिए। चलिए आज अच्छा खासा नर्सरी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। और ये सब नर्सरी जो है, इस नर्सरी में आप सबको फॉल और फूल का प्लांट मिल जाएगा, तो चलिए उसी में से कुछ नर्सरी में हम लोग आज घुसेंगे और वहाँ कितने अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा वो भी अब हम आप सबको बताएंगे। आप वहाँ से भी आपका जरूरत का प्लांट ले सकते हैं। अब तो जमीन तो बहुत ही कम है, इसलिए बहुत सारा व्यूअर्स जो बोलते हैं जो रूफटॉप गार्डन के लिए कौन सा चीज कौन सा प्लांट अच्छा है, तो वही आज हम आप सबको बताएंगे। तो उसी कारण के लिए आज समूह बोला है चलिए आज कुछ स्पेशल अलग किस्म का ब्लॉग बनाए। तो हमने सोचा चलिए आज अलग कदम को बनाया जाए, तो उसी कारण के लिए हम लोग निकल पड़े हैं कुछ अलग ब्लॉग बनाने के लिए। ये देखिए, ये रास्ता के बगल में बहुत सारा अच्छा अच्छा नर्सरी मिल जाएगा, हम लोग इसी इलाका से जा रहे हैं। ये देखिए, ये रास्ते के बगल में ही रास्ते के बगल में अच्छा अच्छा नर्सरी मिल जाएगा। ये देखिए न्यू छात्रा नर्सरी, बहुत अच्छा अच्छा नर्सरी मिल जाएगा। ये देखिए, ये भी एक नर्सरी है, ये बहुत नर्सरी है। ये देखिए सामने और भी एक नर्सरी आ रहा है, ये है शुभ छात्रा नर्सरी। ये देखिए, ये देखिए इस तरफ का नज़ारा देखिए, ये देखिए कितना अच्छा तालाब है। शायद ये पिसिकल्चर के लिए बनाया गया है। ये देखिए इतना फिश फार्मिंग के लिए बनाया है, पिसिकल्चर के लिए फिश फार्मिंग के लिए बनाया गया है। ये देखिए तालाब है, देखिए यहाँ इस रोड के चारों तरफ मतलब को बहुत अच्छा फार्म हाउस देखने को मिलेगा। ये स्पेशल वीकेंड में जो लोग पिकनिक करने के लिए आता है उन लोग को दिया जाता है। बहुत अच्छा बन गया है ये इलाका। ये देखिए हम लोगों का सामने और एक नर्सरी है, ये सरकार नर्सरी। ये देखिए, ये सरकार नर्सरी है, बहुत ही अच्छा नर्सरी है। यहाँ छोटा नर्सरी है लेकिन बहुत अच्छा नर्सरी है। चलिए हम लोग का तो और तो एक दो, ये देखिए एक
ये और एक नर्सरी है, नया खुला नया बनाया हुआ है, ये एक नर्सरी है। ये देखिए इधर बापी नर्सरी, ये एक नर्सरी है, बापी नर्सरी है। ये देखिए इधर भी एक नर्सरी बन रहा है, मतलब चारों तरफ यहाँ नर्सरी नर्सरी है, नर्सरी बना हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं। आज वेदर बहुत ही अच्छा है, ये तो बाइक ड्राइव करने में सही में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं यार तो ये तो मस्त वेदर, मस्त वेदर है, बाइक ड्राइव करने में सही में बहुत मजा आ रहा है। मैं यार तुम एक संग निकल चुके हैं, चलिए देखते हैं आगे मिलते हैं। कितना अच्छा नर्सरी में ले जा सकते और आप सबको कितना अच्छा दिखा सकते ये दिखाने के लिए। चलिए हमारे साथ में रहिए, ये सामने का रास्ता देखिए। ये देखिए इसका कितना बड़ा कारखाना बनाया है। देखिए स्कूल के आस पास बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बना है। हम लोग अभी जहाँ आने का प्रोग्राम बनाया था, करीब करीब वहाँ पहुँच ही गए हैं। तो चलिए सीधा मिलते हैं नसरे, चलिए वहाँ पहुँच ही गए हम लोग। तो गाइज अभी हम नर्सरी के अंदर आ गए हैं। देखिए इधर कितना सारा वेराइटीज का फ्लावर अवेलेबल है इधर। ये देखिए इसे पिटूनिया कहते हैं और बगल में जो इसे गेंदा कहते हैं। हाँ तो सबका नाम नहीं बता, अगर आप सबको बताए तो बता दीजिएगा। ये एक किस्म का फ्लावर है पिंक कलर का, कितना अच्छा है। ये देखिए दिखते रहिए हमारे साथ, कितना अच्छा फ्लावर इधर है। इसका भी नेम हमें नहीं पता, इसे शायद लगता है बोगनवेलिया है, ये लगता है कॉन्फर्म नहीं पता। ये भी देखिए ये भी एक किस्म का पिंक कलर का बोगनवेलिया लगता है, कितना अच्छा लग रहा है ये। ये देखिए स्ट्रॉबेरी प्लांट है सामने, पीछे है मोड़ो खुल करीब से देखिए कितना अच्छा लगता है। देखिए और सामने भी एक किस्म का फ्लावर है इधर। ये देखिए क्या वाइट रोज, और ये देखिए पिटूनिया करीब से, और पीछे देखिए डालिया करीब से, देखिए डलिया कितना अच्छा लगता है। देखिए ये देखिए ये रोज़ का वेराइटीज़ अवेलेबल है। ये देखिए येलो रोज़ करीब से, ये देखिए ये इधर भी एक पिंक रोज़ है करीब से, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत ही मस्त है ये जगह। ये देखिए ये वेराइटीज़ टाइप ऑफ मैंगो प्लांट इधर अवेलेबल है। ये मैंगो का बहुत सारा वेराइटी है, ये इसे शायद ऑरेंज बोलते हैं, दार्जिलिंग ऑरेंज। ये है अल्फांसो मैंगो, ये भी मैंगो है अल्फांसो। ये देखिए इधर भी बहुत सारा फूल खिला हुआ है, नाम तो सबका नहीं पता, अगर सबको पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। ये देखिए पिंक कलर का एक औसम फूल। इधर देखिए इधर मैंगो है, माल्टा है, बारीमन माल्टा है। ये देखिए बारीमन मैंगो, दूर में देखिए कोकोनट प्लांट है, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत ही अच्छी जगह है ये। ये दार्जिलिंग ऑरेंज है, ये देखिए पिटूनिया करीब से। अभी रुके थोड़ा जूम करके दिखाएंगे, ये देखिए जूम करके देखिए कितना अच्छा कलर है इधर अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लाजवाब लाजवाब, बहुत ही मस्त है सच में, ये जगह बहुत ही अच्छा है। हमें भी कुछ मैंगो प्लांट्स लेना है। ये देखिए पिंक कलर के एक और फूल है। हमें भी कुछ किस्म का मैंगो का प्लांट लेना है, लेके आपको दिखाएंगे। ये देखिए इधर भी कितना अच्छा फूल खिला हुआ है इधर, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए ये एक जोबा है करीब से, देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। आज हमने ये प्लांट लिया, ये है दार्जिलिंग कमला, और उसके पास ये है रत्नागिरी अल्फांसो, और एक लिया काटिमन मैंगो। ये तीनों पेड़ यहाँ से ले लिया। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं हमारा ये ब्लॉग। अगर आप सबको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।